मैं सरदारी लाल वसीका निवास सब तहसील धारीवाल नंबरदार और मैंबर पंचायत पिंड रणिया वाइस प्रेजिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारीवाल अपने वालों तो अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी वालों पूरे देश वासियों 15 अगस्त की लख लख बधाई दिंदा। तो अज के नौजवानों को अपील करदा कि वह नशे तो रहत रहन ते नशे पत्ते तो बच के रहन। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आज 73वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य जिला तथा उपमंडल स्तर पर समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ध्वजारोपण, पुलिस, गृह रक्षा, एनसीसी, आईटीबीपी के जवानों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह के मुख्य आकर्षक रहे। समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने प्रातःकाल से ही अपने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर समारोह स्थल पर एकत्र होना आरंभ कर दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसमें प्रमुख रूप से एक तो हमने ये तय किया कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ते हुए उनको और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन और हमारा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन दोनों में जो बेटियां हमारी अप्लाई करती हैं किसी भी पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए उनको फीस देनी पड़ती थी। उस फीस को माफ़ करने के लिए मैंने एक निर्णय लिया और जिसके कारण गरीब बेटियों को भी अवसर मिलेगा और उसके साथ साथ में बेटियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। एक ऐतिहासिक निर्णय, अभी तक सिर्फ ये यूपीएससी में है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में है अभी तक ये। दूसरा, हमने एक और निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10वीं तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त में किताबें देने का एक निर्णय किया है। उसमें हमारे बेटियों के तो सबको है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अनुसूचित जाति के बच्चे भी और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे, उनको भी मुफ्त में किताबें मिलती थी। लेकिन थोड़ा सा एक पोर्शन बचता था जो जनरल कैटेगरी के भी बच्चे हैं, हमने कहा उनको भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आरक्षण का प्रावधान अब केंद्र ने कर दिया 10% का, जो गरीब बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जनरल कैटेगरी में हैं लेकिन उसके बाद गरीब हैं। ऐसे बच्चों को, सबको हमने कहा कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हैं किसी भी, इसमें जनरल कैटेगरी के भी उसमें शामिल करके सभी बच्चों को 10वीं तक की मुफ्त में जो किताबें, जो है पुस्तकें जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। और उसके साथ साथ में एक निर्णय और हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को बहुत बड़ा योगदान रहता है हिमाचल के विकास के लिए और उस विकास को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान रहता है, उस दृष्टि से 4% जो है वो महंगाई भत्ते का ऐलान हमने किया है और उससे भी पूरे प्रदेश भर में जो कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राशि जो है वो उसमें उसके रूप में जो है वो मिलेगी। और उसमें 260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ जो है कर्मचारियों को इसमें इसके अंतर्गत मिलेगा। और इसके लिए हमने तय किया है कि नई साल जो हमारी पहली जनवरी से ये दे होगी। ये सौभाग्य है हमारा कि आज़ाद भारत में एक दिन हमको देखने को मिला जब भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ध्वज के नीचे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा जो है वो सब जगह फहराया गया। मैं और ख़ास तौर से कश्मीर को जब हम देश का ताज मानते हैं, वहाँ तिरंगा झंडा फहराना और ख़ास तौर से धारा 370 का समाप्त होना और एक भारत की कल्पना आज वो साकार हुई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है देश के इसमें और इससे पूरा देश जो है एक दिख रहा है, एक लग रहा है, एक महसूस हो रहा है। आज के अवसर पर नहीं, अभी इस तरह का नहीं है, नहीं अभी इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। वो भाजपा के अभी तक सदस्य हैं और विधायक दल में भी भाजपा के सदस्य के नाते अभी तक वो हैं। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से रमेश वर्मा की रिपोर्ट।